नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर पहली बार खड्डी में पहुंचे अजय भट्ट का हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर पहली बार खड्डी में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। कैबिनेट मंत्री अजय भट्ट चकरपुर के वनखंडी महादेव मंदिर से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए खटी में मुख्य चौक पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य चौक के पास स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा शहीदों को नमन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर क्षेत्र की जनता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिला। वहीं राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर 3 दिन से लगातार उत्तराखंड भ्रमण के दौरान आज मैं खटीमा पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा कि खटीमा में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों तथा महिलाओं में काफी उत्साह और उमंग नजर आ रहा है। इसी प्रकार का उत्साह पूरे प्रदेश के साथ ही पूरे देश की जनता में भी है। कैबिनेट मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अब की बार 400 पार जनता द्वारा दिया गया नारा बिल्कुल सटीक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार यह जनता द्वारा दिया गया नारा साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति पूरे देश के लोगों का असीम प्रेम है। जब से मैंने पहली बार उत्तराखंड में प्रवेश किया है, आज दूसरा दिन है, लगातार जो उत्साह आज खटीमा में देखने को मिला है, इसी प्रकार का उत्साह पूरे प्रदेश में है और देश में है। और जो जनता ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, ये जनता ने कहा है, हम लोग भी बोलते हैं उन्हीं के नारे को, तो ये सही होने को जा रहा है। ये पक्का मुझे विश्वास हो गया है, युवकों में, माताओं बहनों में, बुजुर्गों में, उम्र दराज लोग भी, माताएं बहनें और जो बहुत ही मेरी नानी या दादी की उम्र के होंगे, दो हाथों से यूं हाथ जब हिला रही थी तो लग रहा था कितना उत्साह है लोगों में और मोदी जी के प्रति असीम प्रेम है पूरे देश के लोगों में, इसलिए उनमें अपनी प्रतिछाया देखते हैं सब, गरीब से गरीब व्यक्ति, मिडिल मैन, अमीर से अमीर व्यक्ति। इसलिए मुझे लगता है कि जो जनता ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, और मुझे लगता है बहुत ही सटीक नारा और ये होना ही होना है। आप देखिए कि जहां हम पहले कमज़ोर होते थे, वहां भी इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमें जीत मिली।